नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं दीपक पाराशर। पैसिफिक आर्ट्स एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सभी अभिभावकों को यथा योग प्रणाम करता हूं। देखो, बिल्कुल मस्त हो जाओ, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं करनी है। बस टेंशन करना मेरा काम है, आपको कुछ नहीं करना है। अब मैं कहूंगा वैसे होगा, जो कहूंगा वो आपको करना है। और रट्टा प्रणाली है, रट्टा जो फिकेशन यहाँ की जो आदत बनी हुई है, इस आदत को मैं पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दूंगा पूरी तरीके से। और मैं आपको यहाँ पर फाउंडेशन के साथ साथ आप सोच रहे होंगे आर्ट्स में फाउंडेशन, जी हाँ, 12वीं के बाद में जो 4 साल जाकर के समय खराब करोगे, वो समय मैं आपका 11वीं में लूंगा और उस समय में आपको इतना पारंगत, इतना परफेक्ट बना दूंगा जिसकी कल्पना आपने कभी सोची भी नहीं, की भी नहीं होगी। देखो, आज मैं आपको सबसे पहले ग्रामर जो टॉपिक है उसमें सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं अलंकार। बिल्कुल अलंकार मस्त पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है। सुन ले जीजी भाई, मेरे राजा बाबू तैयार हो जाओ। देखो, अब देखो, बस मस्ती में सुनना है, केवल सुनना है, रटना नहीं है। सुन लिया, क्लास खत्म। एक बार सुन लिया, क्लास खत्म। देखो यहां पर गौर से देखना बेटा, अलंकार क्या लिखा है मैंने, अलंकार शब्द लिखा है मैंने, अलंकार। अब आप एक बात बताइएगा मेरे को, अलंकार जो है, ये अलंकार इसकी दोस्ती किससे है? भैया दोस्ती पता होनी चाहिए अलंकार की किससे है। हमको सबकी दोस्ती पता है, कौन की कौन से है, है? रामलाल की श्यामलाल से है, राधा की अनीता से, सुनीता की संजना से, और कुछ दोस्ती ऐसी भी होती है काका काड़ू राम की राम प्यारी से। तो यहां ये याद रखना है, इसकी दोस्ती है बेटा किससे, काव्य से, या कह सकते रचना से, या कह सकते आपका कविता से। ध्यान रखना है मेरे बेटाओ, ध्यान रखना, इसकी दोस्ती है इससे, ठीक है। अलंकार की दोस्ती कहां, ये यहां प्रयोग होगा, ध्यान रखना है। और अब आप एक बात समझो, ये जो मैंने अलंकार जो शब्द लिखा है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, इस शब्द का अर्थ क्या होगा? इस शब्द का अर्थ होगा मेरे बेटा, क्या होगा इस शब्द का अर्थ? आभूषण। आभूषण होता है, या कह सकते गहना। सुन ले मेरी बहना, ओ जी जी, ओ आपने पहरे कि नहीं पहरे आभूषण? कान में कुंडल है, गड़े में हार, पहरे कि नहीं पहरे? नाक में लटका लिए, हाथ में पहन लिए। अब एक बात मेरे को आप बताओ, ये जब हम पहरे, ये आभूषण जब हम पहनते हैं, तो बताओ सुंदरता बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती है ना। अरे लाला, जब आभूषण पहनने से सुंदरता बढ़ती है, 4 चांद लग जाते हैं। बिल्कुल, एक काड़ी सी अगर कोई स्त्री है और उसको भी ये पहना दिए, तो उसका पति ये जरूर कहेगा, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो। 100% कहेगा, कहेगा कि नहीं कहेगा? बिल्कुल कहेगा। और देखो भाई, इसका अर्थ होता है, अरे अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। अब देखो, इनको पहनने से सुंदरता बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? बिल्कुल बढ़ती है। अब आगे देखो क्या है, ये अलंकार जो शब्द है, दो शब्दों से बना है मेरे बेटा, अलंपलस्कार, अलंकार शब्द जो है, अरे जो अलंकार जो शब्द है, या दो शब्दन सु बिण्यो है, कितेक शब्दों से बुणो लाला? दो शब्दों से बना है, एक तो है अलम और दूसरा है तुम्हारा कार। दो शब्दों से
आया कि नहीं आया, दो शब्दों से बना है। और इस अलम का मतलब क्या होता है? इस अलम का मतलब होता है शोभा है। और कार, और एक कार में बैठेंगे तो शोभा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। और एक जुगाड़ में बैठेंगे है तो ध्यान रखना, कार का मतलब होता है करने, या कह सकते हैं बढ़ाने वाला, या बाले भी कह सकते हैं। ये लो अलंकार जो शब्द है अलम प्लस कार के योग से बना है। और अलम का मतलब होता है शोभा, और कार का मतलब होता है करने या बढ़ाने वाले। अब आपको पता है जब तीन लाडी इधर बैठी है तो तीन दूल्हे ही चाहिए। लालाओ चाहिए कि नहीं चाहिए? तीन लाडी है तो तीन दूल्हे चाहिए। तो कौन कौन से? देखो यहां सक, यहां लिख सकते हो तत्व लिख सकते हो, यहां पर धर्म लिख सकते हो, यहां पर कारक लिख सकते हो है। ये आप लिख दो। अब देखो परिभाषा कैसे बनेगी लालाओ? अरे परिभाषा बनगी और मौज मौज में बनगी लालाओ। परिभाषा कैसे बनगी? एक ले लो यहां से, कोई भी ले लो। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व जो है क्या कहलाते? अलंकार कहलाते हैं। आई कि नहीं आई? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते। यहां ले लो कविता की शोभा बढ़ाने वाले कारक को अलंकार कहते हैं। कैसे भी ले लो, बात एक ही है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? बिल्कुल मस्त होकर के बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत चित से सुनिएगा, मजा आएगा, शानदार। देखो आगे परिभाषा बहुत सारी बताऊंगा, एक नहीं बहुत। मेरी आदत है एक परिभाषा नहीं, कम से कम पांच छह परिभाषा में, चाहे ग्रामर हो चाहे कुछ भी हो, वहां बताता हूं। देखो गौर से सुनना। जैसे ये एक लड़की है ये रीलाला लड़की है, यारी देखो यारी, बड़ी अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है? एकदम शांत लग रही है ये री लड़की। और ये जो लड़की है लाला, इसके देखो ये पप भी बन रहे हैं। आजकल है पप, पप होता है ना ऐसे, वाओ पप है। और देखो लाला याने कान में कुंडल पहन लिए, ये गले में हार पहन लियो। तो अब ये स्त्री है, और स्त्री की शोभा लाला किससे बढ़ती है? आभूषण से बढ़ती है लाला। स्त्री की शोभा जो है आभूषण से बढ़ती है, मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया, बढ़ती है नहीं बढ़ती है। और आगे देखो लाला, अरे या पुष्प है, या पुष्प जो है या की शोभा किससे बढ़ती है? महक से बढ़ती है, बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? ये लो लाला पुष्प की शोभा महक से बढ़ गई, बढ़ी कि नहीं बढ़ी? और आगे देखो नदी की शोभा, अरे नदी की शोभा किससे बढ़ती है? जल से बढ़ती है, बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? देखो गौर से, बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? तो यहां पर क्या आया है, बात समझना इसको। अरे जिस प्रकार से स्त्री की शोभा आभूषण से, अरे नदी की शोभा जल से, और पुष्प की शोभा महक से बढ़ती है, उसी प्रकार से काव्य की शोभा अलंकारों से बढ़ती है। ये बात लाला यहां पर बताई गई है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होएगो? आयो कि नहीं आयो लाला? बिल्कुल आ गया। अब देखो, अब यहां परिभाषा बता रहा हूं, गौर से सुनना। बिल्कुल परिभाषा गौर से सुनना लाला, क्या है, क्या बनेगी परिभाषा, गौर से सुनना। अरे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते? अलंकार कहलाते। एक परिभाषा, अरे जिन तत्वों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे भी अलंकार कहते। जिन तत्वों से, जिन तत्वों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे अलंकार कहते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते। अरे काव्य में चार चांद लगाने वाले धर्म को भी अलंकार कहते। काव्य के शोभाकारी धर्म को अलंकार कहते। जिनसे काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, जिन तत्वों से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है उसे भी अलंकार कहते। कहते कि नहीं कहते? तो कई परिभाषाएं आप लिख सकते हो, रटना नहीं, रटने को त्याग दो। अरे रटना हो गई पुरानी घटना, जब से मैंने शुरू किया है। क्या किया है? ये आप अच्छी तरीके से जानते हो लाला। यहां तक समझ में आया है कि नहीं आया? आ गया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया, 1000% आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर सुन लो आप अच्छे तरीके से, रटना नहीं है, कम पढ़ो लेकिन दिमाग में फिट कर लो लाला, फिट कर लो। ये चीज आपको समझनी है। कैसे? देखो
अरे अलंकार जो शब्द है इसका अर्थ होता है आभूषण या गहने, होता है कि नहीं होता? आभूषण या गहने होता है, इसका अर्थ होता है आभूषण या गहने। और अलंकार शब्द की दोस्ती है काव्य से, रचना से, कविता से, यह गद्य में यूज नहीं किया जाता, ध्यान रखने वाली बात है। ये पद्य खंड काव्यांश में इसका प्रयोग होता है ललाव। और काव्य अलंकार जो शब्द है ये अलम पिलस्कार के योग से बना है, अलम पिलस्कार के योग से ये बना है, बना है कि नहीं बना ललाव? और अलम का मतलब होता है शोभा, और कार का मतलब होता है बढ़ाने वाले या करने वाले, अर्थात बोले तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते? अलंकार कहलाते। ऐसी बात यहां पर बताई गई है। अब आपको यहां तक बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, आया कि नहीं आया? बोलो आया कि नहीं आया? आ गया ना, एकदम वेरी गुड, बहुत शानदार, आपको बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आएगा, बस मस्त पढ़ो। ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है, आपको तो ऐसे ऐसे वो मिलेंगे पढ़ने को, तरीके मिलेंगे जो आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। बिल्कुल मौज मस्ती में प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दूंगा। तो अलंकार का अर्थ, अलंकार शब्द किन किन से बना है, अलंकार के यहां पर परिभाषा के मैंने बताई आपको, अलंकार की परिभाषा बताइए। अब अलंकार के भेद, अलंकार के कितने भेद हैं ये बात मैं आपको बताता हूं, ठीक है? लेकिन अभी उसके लिए आप इसको लिख लो,